समय करके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मैं आपको उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं इस बात को लेकर कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं ये जो चुनाव है ये किन मुद्दों ये पर फिलहाल ये मुद्दा देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में 400 सीटों से पार लेना है, इस लक्ष्य से चुनाव लड़ रहे हैं। और देश में सबसे सर्वाधिक मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिससे कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के प्रति लोगों का जो विश्वास भरोसा है वो दुनिया देख सके। पिछली बार आप 2 लाख से ज़्यादा वोटों से इस क्षेत्र से जीते थे, इस बार क्या उम्मीद आपको नज़र आ रही है? देखिए, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, देश की सुरक्षा लड़ रही है, और इसलिए हमने कहा कि हर बूथ पर पहले से ज़्यादा प्रतिशत जीतें, ताकि हम सब दुनिया में प्रधानमंत्री जी को सबसे ज़्यादा मत दिलाकर रिकॉर्ड बना सकें। आप ही की पार्टी से जो प्रहलाद गुंजल थे वो भाजपा में कांग्रेस में शामिल हुए, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हो, रीज़न क्या है इसका? अब जब रोज़ कोई विचारधारा पर चुनाव होते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनाने के चुनाव हैं, देश के प्रधानमंत्री बनाने के चुनाव, और उनको लगता है कि उनको देश में प्रधानमंत्री जिनको बनाना उसके बारे में विचार व्यक्त करें। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिन्होंने ये बताया कि ये जो चुनाव है ये देश के मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, इनको लोकल मुद्दे गौण हैं। हम लगातार इनकी जो विधानसभा क्षेत्र है, जो अभी सांगोद विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम देखते हुए आए हैं, तो लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो अपार जनसमर्थन ओम बिरला के साथ लगा हुआ है, उसको देखकर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो वापस बढ़त लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सांगोद से प्रणय विजय।